चुनाव लड़ने का रास्ता साफ, निशा बांगड़ी का इस्तीफा मध्य प्रदेश सरकार ने किया स्वीकार। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। छतरपुर की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगड़े का इस्तीफा आखिरकार शिवराज सरकार ने मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट और एमपी हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सोमवार देर शाम निशा का इस्तीफा मंजूर करने का आदेश जारी किया गया। इस बात की जानकारी सांसद विवेक तन्खा ने ट्विटर कर दी। विवेक तन्खा ने ही निशा बांगड़े के केस की पैरवी की है। कांग्रेस ने सोमवार को ही आमला सीट से लंबे इंतजार के बाद मनोज मावले को उम्मीदवार घोषित किया था। अब देखना है कि क्या कांग्रेस मनोज मावले की टिकट काटकर निशा को आमला सीट से अपना उम्मीदवार बनाएगी। दरअसल निशा बांगड़े के इस्तीफे के मामले में सांसद विवेक तन्खा ने कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए सरकार के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने सरकार के आदेश की कॉपी को पोस्ट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के पालन में निशा बांगड़े का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया। विभागीय इंक्वायरी भी समाप्त कर दी सेंसर के साथ। अब निशा को अपनी आगे का रास्ता के बारे में सोचना पड़ेगा। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार अमला बैतूल से एक दिन पूर्व घोषित कर चुकी है। उन्होंने आगे लिखा कि यह कोई महिला अधिकारी की जीत नहीं है, यह नारी शक्ति की जीत है। शिवराज जी और उनके मुख्य सचिव ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि निशा का त्याग पत्र स्वीकार ना हो। विजयदशमी के दिन आदेश हस्ताक्षरित हुआ, सत्य की जीत हुई। अपने ट्वीट से इतर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का कहना है कि सुगो ने एक बुद्धिष्ठ दलित महिला के साथ न्याय किया है और महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया है। सरकार से एक महिला ने कितनी दमदारी से बात रखी है वह प्रशंसनीय है। अब निशा को अब अपना रास्ता स्वयं तय करना होगा। यहाँ बताते चले कि बैतूल निवासी डिप्टी कलेक्टर निशा बांगड़े यानी छतरपुर में पदस्थापना ने अपने पद से इस्तीफा देकर आमला सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी। राज्य सरकार अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए निशा बांगड़े का इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही थी। इस बीच निशा बांगड़े ने पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने इस्तीफे पर जल्द फैसला लेने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निशा बांगड़े को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ही जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से प्रकरण से जल्द निराकरण करने को कहा था। शुक्रवार को हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच ने निशा बांगड़े की याचिका और राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव के नामांकन की तारीख को देखते हुए सरकार को 23 अक्टूबर तक निशा बांगड़े के इस्तीफे और चार्जशीट पर निर्णय लेना होगा। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।